बस करो बस करो, रुको अभी लाती। ओए बलदेव पुत्र, फोन ते बदमाशियां नहीं करता ना तू? तो पहले भी क्या करता था चाची जी? हाय ओ रब्बा, पहले भी कहाँ करता था तू? तू तो पूरे पिंड में सबसे सीधा बच्चा है, जलेबी है ना। चलो एक एक आकर ले। पैसे देती है? नहीं बीजा, मोटी चाची ने बताया तो सही, कल लोहड़ी है ना, तो सारे बच्चे घर घर जाकर सबसे लोहड़ी मांगते और सब लोग खुशी से लोहड़ी दवाजते, पैसे रेवड़िया लकड़िया देते। बीजी मैं भी जाऊं? बीजी मैं भी आ रही हूँ, पैसे कमाऊंगी, पापा जी का सपना भी पूरा करूंगी। रणवी रुक, जमा करने के लिए कुछ लेकर जा। ये ले, जाओ तुम दोनों। चलिए जा। अच्छा बस बस बस, लोहड़ी तो सिर्फ मेरे पुत्र को मिलेगी। ये रे पुत्र, ये ले। चलो अब जाओ सब लोग। रणवी पुत्र अपना झोला खोल। नहीं चाची जी, मेरा भर चुका है, आप इसके अंदर डालो। ले ले माय लोरी गोरी में पत्ती लगाई ती लगे तितर को, तितर करे ची 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 ची, तितर करे ची 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 ची। ले ना माय लोरी पुत्र चढ़ेगा गोरी, गोरी के ऊपर ती लगाई ती लगे तितर को, तितर करे ची ची ची। चमची मुझे भी दिखाता हूँ, बलदेव मेरी बहन को मारेगा तू।
चल मीरा। चाय जी। हाँ पुत्र। चाय जी आजा आजा। ये देखिए सबके लिए कपड़े लेकर आई ने लोहड़ी के वास्ते। अरे वाह रेखा रणवी के लिए। अरे वाह ये तो बड़ा सोना है। मेरा छोटा चंद तो खूब चमकेगा इसमें। वीरा के लिए बहुत प्यारा सूट है। ये सूट आपके लिए। हाय रब्बा रतन की कर दी है तू। कितने सारे सूट पड़े हैं मेरे पास। मेरे वास्ते लाने की क्या जरूरत थी पुत्र। इसमें क्या है वो भी तो बता मुझे। अरे बता ना। रतन पुत्र तूने वापस कुत्तों के लिए कपड़े खरीद लिए। पुत्र मैं ये नहीं कहती कि तू गुड्डू के वास्ते कपड़े मत ला। पर पुत्र अपने लिए भी तो कुछ ले लेती। तीज त्योहार के दिन चल रहे हैं। जमाने हो गए पुत्र। तेरे को सजा हुआ सवरा हुआ देखी। जय जी मेरे लिए तो सबसे बड़ा त्योहार उनके आने का दिन होगा। ये सब त्योहार तो फीके हैं मेरे लिए। जिस दिन वो लौट आएंगे ना उस दिन जितने भी त्योहार छूटे हैं सब मनाऊंगी। दुगने जोश से मनाऊंगी। इतना कुछ खरीदवाऊंगी अपने खातिर कि फिर चाहे फिर उनको दो बीघा जमीन ही क्यों ना बेचनी पड़े। ऐसे सजूंगी सवरूंगी कि देख देख के आपकी आंखें थक जाएंगी कि रतन अब बस कर निकल इस चमक से बाहर। बस वो आए और संभाले अपनी पटाखी कौर को। दुनिया की गल्ला बर्दाश्त नहीं होती अब मुझसे। बड़ा सुंदर पिंड है साडा। सारे मिलनसार लोग ने एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। जब संपूर्ण यहाँ का सरपंच था तो बड़े बड़े फैसले चुटकियों में बना देता था। बड़ी इज्जत थी उसकी पर मर गया। कुछ नहीं सब वक्त वक्त का खेल है। सत श्री अकाल पाजी। परजाई जी कैसी है। ओ गलत सवाल पूछ लिया आपने पाजी। और गुरप्रीत के बारे में इससे बिल्कुल ना पूछो। हाँ अगर रतन भाभी के बारे में पूछोगे तो देखना कैसे तुरंत जवाब देता है। इंसान का ध्यान जिधर ज्यादा रहेगा खबर भी तो वहीं की रखेगा ना। इसीलिए तो इसे अपने घर से ज्यादा संपूर्ण के घर की खबर होती है। क्यों करता रे। सही बोल रहा हूं ना मैं। ऐसे ना देख मुझे डर लगता है। और मैं तो भूल ही गया था कि रतन भाभी के नाम पर तो तू मरने मारने पर उतर जाता है। ओए बख्तावर ये तो सारा पिंड जानता है कि तू शर्म हया भूल चुका है। कुछ नहीं हो सकता तेरा। पर इतनी तो शर्म रख पिंड की इज्जत तो करना सीख। और ये तू किसके साथ घूम रहा है। हाँ मैं संपूर्ण का दोस्त हूं।
संपूर्ण दे दोस्त भाई, वाह करता रहे। संपूर्ण की जिंदगी बड़ी बंद किताब सी, वो पहले कहीं से बेटी आ गई थी, अब ये दोस्त आ गए, और क्या पता कल को कोई नई बीवी आ जाए संपूर्ण की। तू ना एक बात बोलूं भाई जी, कमाल की बात है कि ऊपर वाले ने शरीर तो आपको मर्दों जैसा दिया है, पर जो बात है ना वो आप मर्दों जैसी नहीं करते। सच्ची कहा है किसी ने प्राची, सच्चा मर्द वही है जो आमने सामने की लड़ाई का हौसला रखे। और इतिहास गवाह है जी, पीठ पे छुरा मारने वाला कायर और छाती पे मुक्का मारने वाले को मर्द कहा गया है। समझ गए? कोई दुश्मनी थी इसकी संपूर्ण से? बड़ी लंबी कहानी है जी, किसी और दिन दसांगा। पर एक बात तो है, ये सब तभी ठीक होगा जब जब संपूर्ण वापस आएगा। चलो जी। गुरप्रीत चाची लोड़ी दो ना। दलबीर तेन दिख नहीं रहा, गुरप्रीत चाची की तबीयत खराब है, हम बाद में आके ले लेंगे। चल। नहीं नहीं पुत्र, शगुन का काम होता है लोड़ी, तो एक काम कर, मेरा वहां टेबल पे बटुआ पड़ा है, जरा लेकर आ। ये ले पुत्र तेरी लोड़ी। ये ले वीरा तेरी लोड़ी। वीरा क्यों आया? ले ले लोड़ी। मैं नहीं चाहिए। वीरा ऐसा नहीं कर दे, हमें तो लोड़ी लेने आया ना, ले ले। बस भी जी नहीं चाहिए। अच्छा गुरप्रीत चाची आप आराम करो, हम चलते हैं। ठीक है चलते। वीरा तुमने गुरप्रीत चाची से ऐसे बात क्यों की? वो बढ़िया है तुझसे, तन्नू ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। पर वीजी भी तो चाची से बड़ी है ना, उन्होंने उनसे अच्छे से बात क्यों नहीं की? की कहा था गुरप्रीत चाची ने? वो तो याद नहीं, पर बहुत गुस्सा हो रही थी वो उन पर और बहुत लड़ रही थी। पर मैं भी ना वीजी उनका तकिया ले आई, उनके पास तकिया नहीं रहा ना इसलिए वो घर आ गई। करतर चाचू
चल पुत्र, हेलो, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए। ऐसे खत्म हो गए मेरे। कोई नहीं पुत्र, ये ले। ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ये सब तेरे वास्ते। हाँ, ये मेरी तरफ से और करतार चाचू की तरफ से, रख ले। मेरा इतने सारे पैसे मिले थे, उनमें से थोड़े अपने पास रख दे और बाकी के ना फिर से दे दे। दूसरे बच्चे भी तो आएंगे ना लोड़ी लेने। नहीं बीजी, मैंने तो बहुत सारे पैसे चाहिए। पापा जी का सपना भी पूरा करना है ना। कोई नहीं पुत्र, देखो चिंता की कोई बात नहीं है, और जो बच्चे हैं ना उन सबको मैं और पैसे दे दूंगा। नहीं नहीं, अब दूसरे बच्चे को और मत देना। आपने जितने दिया ना, इतने में से मैं सब लोग को दे दूंगा। चल वीरा। चलो जी, इस तरह। बीजी, 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 यार देखो मुझे पूरे पेट में क्यों मिला? हाँ हाँ, बाद में देख लेंगे, बहुत देर कर दी। चलो जल्दी मुंह हाथ धो लो और खाना खाने आ जाओ। बीजी, ये सब क्या है? वो मैं लोड़ी के वास्ते सबके लिए पहनने के लिए नए कपड़े लेकर आई। चल जल्दी आ जा खाना खाने। नए कपड़े? तो मोटी चाय सीख। चंगा है वीरा की चुन्नी। एकदम सादी से चुन्नी लेके आई, कल मेरा ऐ उड़ेगी। मेरे तो मेरे एकदम अच्छा सा कुर्ता लगे और मेरी वीरा के वास्ते एकदम सादी सी चुन्नी, इसमें तारे गोटे भी नहीं लगे। कई वीरा ये ना सोच ले कि बीजी उससे प्यार ही नहीं करती, पर बीजी ने ऐसा क्यों किया? बीजी तो हम दोनों की बीजी है, फिर मुझ में और वीरा में फर्क कैसे कर गई वो? दिखता है कहां से आई है, ये तो वहां से आई है जहां से कोई नहीं आता। वीर की अरदास वीरा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।